तो बच्चों जो अब ऐसा क्यों, क्योंकि जीएस जो है वहां पर आपको धोखा दे सकती है। मैथ रीजनिंग हिंदी धोखा नहीं देंगे। जिसके मैथ रीजनिंग हिंदी अच्छे हैं वो पेपर में खुश होकर के आएगा ही आएगा, क्योंकि जीएस को पे वो डिपेंड ही नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि यूपी पुलिस के अंदर जीएस परेशान करेगी, चाहे आपने कितनी भी पढ़ी हो तब भी आपको जीएस परेशान करने वाली मिल सकती है। इसका माइंडसेट आप लेकर के जाएं। अगर आप 20 के आसपास जीएस कर देते हैं या 20 से प्लस कर देते हैं तो ये बड़ी खुशकिस्मती होगी, बड़ी अच्छी ही बात होगी। अभी असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के पेपर हुए तो इसमें मैंने सब कुछ देखा, बच्चों से रिव्यू लिया, तो मैथ्स रीजनिंग सब अच्छा आया, साइंस या जीएस जो भी कुछ था, तो उनमें जीएस में ही बच्चे परेशान दिखे। वहाँ जीएस पल्ले नहीं पड़ रही थी, तो वो सब चीज़ें अब भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जीएस ऐसी लगे ना कि यार ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो उस समय बस परेशान मत होना। बस ये करना कि ये नहीं आ रहे ना मुझसे, कोई बात नहीं, ये किसी से नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ये अटपटे ही प्रश्न है, ये पूछे ही इसलिए जाते हैं शायद कि हम ना कर पाए, तो इन पर क्यों परेशान हो हम। तो फिर उन प्रश्नों को लीजिए, उस सब्जेक्ट से अलग जो सब्जेक्ट है उनको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करिए। कई बार रीजनिंग में मान लीजिए पजल फंस जाता है, कोई सीटिंग अरेंजमेंट फंस जाता है, तो अगर फंस जाए तो परेशान मत होना, सोचना कि इसको गोल कर देता हूँ, इसको बाद में पढ़ूंगा जब पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर लूंगा। बच्चों यकीन मानना, जब आप पजल या कुछ बड़े लेंदी क्वेश्चन को, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, उस पर तीन चार प्रश्न हैं, मुझे भी मालूम है एक एक क्वेश्चन पे तीन चार प्रश्न आ रहे हैं, तो उस समय जब आप पे टाइम का प्रेशर नहीं होगा ना, अगर आपको पहले उस क्वेश्चन को करने के 60% चांस थे कि पढ़ते, टाइम भी लगाते, 60% चांस होते उसको करने के, क्योंकि तो प्रेशर अभी बहुत पेपर पड़ा है, टाइम कितना हो गया, ये सब प्रेशर है। लेकिन जब आप बाद में उस प्रश्न पे आते हो ना सारा पेपर करके, कि आपने उस पर टाइम ही नहीं लगाया, ऐसा प्रश्न देखो टाइम ही नहीं लगाना, यार ये टाइम लेगा इसको बाद में देखूंगा, तो उसको लास्ट में आना। अगर पहले उस प्रश्न को करने के 60% चांस थे तो बाद में उस प्रश्न को करने के 90% चांस बन जाएंगे बच्चों, जब आप बिना टाइम के प्रेशर के उस प्रश्न पर दिमाग लगा रहे हो। और आप देखेंगे पेपर के बाहर आकर कि सब लोग इस प्रश्न में बीच में ही फंस गए थे, इसलिए सबको समय कम पड़ गया, ये सुनेंगे आप बच्चों से, तो आपको सब देखो उस समय कितनी खुशी होगी, यार मैंने बाद में इसको अटेम्प्ट किया तो कितना बढ़िया रहेगा। पहली प्रायोरिटी आपको यही रखनी है, पहली प्रायोरिटी अपने दिमाग में यही रखनी है कि मेरा समय किसी भी कीमत पर कम ना पड़ जाए। अगर कम पड़ गया तो आपकी प्रोबेबिलिटी पास होने की उतनी ही कम होती चली जाए। समय कम मत पड़ने देना, पहला टारगेट। ठीक है, चलो, बहुत सारी बातें हो गई पर ये बहुत